है क्या वहाँ पे? नहीं, बुझ जा रहा है, चल चोरी करेगा। चलो। तुम यहाँ से जाओ, तुम वहाँ से जाओ, हम सीधा जाएगा, होगा? डालो जल्दी डालो, चला जाएगा। देख क्या हुआ रास्ता तरफ से, अबू हम नूनू बोल रहे हो तो? अरे नूनू मेरा बच्चा। ओ हम लुआ बिक्री किया। अरे ऐसा आज आज बियर दो बोतल के लिए हो जाएगा। सर हम तो अंधे हैं सर, दिखाई नहीं दे सर। चुप, आगे जाके देखिए। हम उल्टा खुद रास्ता बता गया सर। धंधा वंदा नहीं, बट पैसा नहीं, हालत खराब चल रहा है, कुछ हो जाए। देखो तुम तो जानते ही है कि हम दोनों चौथा से ये लुआ सुआ बेच के चोरी करके आया ना दोस्त। तो आजकल पैसा नहीं है, माँ बाप भी बहुत बूढ़ा बूढ़ी हो गया ना, तो कुछ धंधा हो जाए। लोग इतना पैसा कमाते, देखो हम दोनों इसे ले जिम बैठा हुआ है। तुम कुछ आइडिया? आइडिया है, हम भाई एक चीज बताएगा ना, एक बाइक है, बाइक मालिक जो दूर में बैठता है लेकिन वो हमेशा वो जगह पार्किंग करता है। तो कम से कम वो बाइक को लेके हम दोनों बेच दिन से कम से कम 20-30,000 तो मिलेगा, वहाँ से हम लोग कुछ काम हो जाएगा। तो आज रात बाइक लाने रहते हैं। अच्छा है, वही चलो। क्या बोला कहीं माँ, वही करना, कुछ धंधा नहीं आज।
कितना भाग गए चार 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 दो भाग गए तो इसको एक तो ये रे बुलेट को लेगा बुलेट को लेगा ठीक है बुलेट को लेगा हाँ ठीक है हेलमेट कहाँ है तेरा? ये घर में भूल गया। तो घर का कैसे दिखाऊं? तो मैं ये घर में। ये बॉक्स वो भी आता। ठीक है। ये हेलमेट का चेकिंग को ये किया। चलान को पढ़ दो। लाइसेंस है ना? तो ये चलान को ये क्या? और अगला बार से हेलमेट पिन किया ना ठीक है और कभी नहीं गाड़ी को साइड में लाओ ये सेकंड हैंड में लिया है गाड़ी कागज से ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा देखो ना नो ड्राइविंग लाइसेंस तो है भाई निकल मन किसको अगला बार हेलमेट पहन के आना ठीक है नहीं उसको हेलमेट नहीं है बोलते दूसरा बार ये कि ऐसा गलती नहीं करेगा क्योंकि ये रूल है गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट ही पहनना है हेलमेट है हम लोग का घर में लेकिन वो अभी क्रिकेट लेने से लेने वाला अच्छा ठीक है हेलमेट अगला बार पहन के आना ठीक है हेलमेट का चलान भर के जाओ कितना वहाँ जाके भरो हेलमेट का है हेलमेट भूल गया यार माफ कर दो क्यों माफ करेगा हेलमेट तुम्हारे सेफ्टी के लिए पहनने के लिए दिया जाता है तुम हेलमेट कहाँ में रखा है तुम्हारा गाड़ी कागज का है सागर में भूल के आ गया ना सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करते हेलमेट भी नहीं पहने और साथ में गाड़ी कागज भी नहीं है सर तो ये क्या बात है हम से चेक और मालूम नहीं था हाँ मरने का बात में तब ये क्या ये घूमने जाओ ठीक है ये तो वही गाड़ी है जो चोरी हो गया था अच्छा झूठ बोलेगा हाँ झूठ बोलेगा ये सर हाँ या प्यार झूठ बोलेगा हाँ झूठ बोलेगा सर मेरा ही है सर तो पेरेंट्स को बुलाओ और गाड़ी का किस दिखाओ ले ठीक करो तू झूठ बोलेगा सर झूठ बोलेगा हाँ चलो सर पीछे ले लेके जाओ उसको
से बिलोंग करते हैं सर, मेरा मामा भी गरीब है सर, तो दूसरा लोग पैसा कमाते हैं का काम करके, लेकिन हर साल हम बोल बेजी काम करने में नहीं है सर, वे चोरी मेरा एक रास्ता है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं सर, और मेरा जो दोस्त है वो गुरु भाई, हम दोनों चोरी करते हैं सर, एक प्लानिंग किया था सर एक बाइक चोरी करने का सर, तो हम दोनों चोरी करने का अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर पैसा कमाने, उसका भी माँ बाप बहुत गरीब है सर, तो हम दोनों वही यही करते, तो कल से हम वहाँ को बताइए कि एक बाइक सके लदन का वो घर रास्ता घुसने जगह में पार्किंग करते हैं हमें सर, तो हमको बोला चोरी करेगा बोल के, तो हम दोनों प्लानिंग बना के चला गया सर, करीब रात का 11-12 एक बजे ऐसे को हम दोनों गया सर, ऐसे ही चोरी करके हम दोनों पैसा कमाना चाहता था सर। बुरू भाई कौन है? सर बुरू भाई वो मेरा दोस्त है सर। घर मालूम है? हाँ सर। तो चलो बुरु भाई, नूनू को बोल रहा है क्या? हाँ उसको बोल रहे हैं। वो अंदर में है, मेरा बेटा है। हाँ बुलाओ। नूनू। हाँ बु। कोई आपको बुला रहा है? कौन है? बाहर आओ। IPC 390 के तहत तुमको अरेस्ट किया जा रहा है और साथ में तुम पुलिस ऑन ड्यूटी करने वाला को भी हाथ उठाया है। चलो 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 प्लीज, मेरा बच्चा बहुत नादान है, चोर के साथ प्लीज यार बहुत चूतते जा रहा है, चलो चलो। तेरा बच्चा बहुत दिन के लिए अंदर जा रहा है। सर जाने से पहले सर अपना पिताजी को कुछ बोल के आएगा सर प्लीज। ठीक है जाओ, बात करो, भागना नहीं है, भागने से ठीक नहीं होगा। ठीक है सर जाओ। अबू अबू उठो प्लीज, मत रो अबू। कास बचपन में लोहा चिना चोर करके बेचते समय आप उसमें हमको समझाता या आप एक झप्पर मरता तब हम आज ये हम जेल जाने के लिए नहीं पड़ता, सब कुछ आपका वजह से ही है, सब कुछ आप ही है, बचपन में आपको चप्पल मारने से भी क्या होना था शायद ये दिन को आज देखने नहीं मिलता। आप अच्छे से बैठो और अपने हेल्थ को केयर करो और ज्यादा दारू मत पियो फिर, ठीक है? आपका बेटा बहुत दिन के लिए जा रहा है, ठीक है? आप अच्छे से बैठे उनके पियर की दुनिया में नहीं घूमता, तो आज मेरा बेटा मेरा पास में होता पुलिस लेके, जो भी है कुछ भी मेरा गलती है, मेरा गलती है। बचपन में अगर अपना बेटा को चोर करने वाले को रुका था तो अच्छा से पढ़ाई में ध्यान देने दे आज एक बियर बोतल का बात दे मेरा बेटा का लाइफ बर्बाद हो गया।